मदर, आपके दोस्त के हवेली पे हैं। इस वक्त आप कहाँ पे हैं? आप बहुत जल्द आइए, आपके दोस्त आपको आद कर रहे हैं। देख, इस वक्त हम लखनऊ सचिवालय में जरूरी मीटिंग में बैठे हैं। अच्छा, कब? अरे मोरी मैया रे, अरे मोरे बिरना। अरे क्या हुआ रे, कौन मर गया? रोले नरो तो क्या कन भल्ले। कौन मर गया रे? लंबरदार। हाँ, तुम्हारा दोस्त तू इस समय मट्टी माँ है। मट्टी माँ? अरे मोरे रणवा। अरे सचिवालय मीटिंग में होंगे, कोई खत्म हो गया है क्या? नहीं पता नहीं कहीं हम मट्टी महान। मैं लग रहा कोई खत्म हो गया है। हेलो, उनसे पूछ भूल लगा के कि कोई नातेदार खत्म हुआ कि रिश्तेदार की टोला पड़ोसी, पता तो लगा? खून चालू है। अब पता लगा? हेलो, अबे शाले कहाँ बिजी हो जाता है बे। लंबरदार, बड़ी दुखी शंभु चमार की बात है। अबे चमार मंगता पासी की बात हम नहीं करते हैं। फोन काट के कहाँ व्यस्त हो जाता है। क्या कोनो नाते रिश्तेदार मरीगा? कोई क्या मट्टी में हो? अबे मट्टी में नहीं, हम तो हार नानी के तरही में बैठे हैं सारे। तू तो कहाँ था? अरे हम मीटिंग में बैठे हैं बे। अच्छा मीटिंग में? हम जानी मट्टी में हो। ऐसा है, बहुत जल्द आइए, आपके दोस्त याद कर रहे हैं। ठीक है, हमारे दोस्त को शांति बंधा और उनको ले जाकर बैठक रूम में बैठा। वो बैठक में बैठे हैं और हम बहुत जल्द उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। आई लव यू डार्लिंग। तपेशारे फोन गया था हवेली से, कहा गए सबके सब नौकर रहे। जीते रहो जीते रहो। लंबरदार अच्छा बच्चा है। सब अच्छा कहते हैं बे। ये बताओ कि तुम दोनों में से फोन किसने लगाया था? फोन भैया लगाया है। क्या रे सुखैया? कोनो पुरान तो समझ नहीं का जवान हमार। नहीं यार, जब प्यार पहलावे के प्यार आई तो हमका बता दिया आपको। लंबरदार, लंबरदार सुनो ना, हम नहीं पीना रहे। मतलब फोन तूने ही किया था? हां लंबरदार, फोन हम पीना रहे, बतला भैया रहे हैं। फोन तूने किया था? बतला भैया रहे हैं। अब बात ये कर रहा था, मालिक को देखो, हम तुम लोगों से बाद में मिलते हैं। हम लोध चमार भंगी पाती की बात नहीं करते सारे पुरपाक। ना हम लोध नहीं, ये कोरिया हम पासी आना। देख पहले हम अपने दोस्त से मिलते हैं, तुमसे हम बाद में मिलेंगे, ठीक है ना? आओ। अचानक फोन करके बुलवाया है, कोई जरूरी ही काम होगा मेरे यार। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। सागर, कुछ नहीं, दो चार बात पूछो, क्योंकि हम
दो जिस्म एक जान है। हाँ, क्यों नहीं? इसमें पूछने की कोई बात नहीं है। अगर कोई बात तुम्हारे दिल में है अवश्य पूछिए। क्या पूछना चाहते हैं? मेरे यार, अरे मुझे फोन पर क्यों बुलाया गया? मुझे फोन पर क्यों बुलाया गया है? मुझे फोन पर क्यों बुलाया गया है? लेकिन आज को ये बताया गया क्या है ऐसी कोई बात भारी? परी क्या है ऐसी कोई बात भारी? नहीं फोन पर कुछ बताया। के अचानक हवेली पर याद किया गया है। सागर, हाँ, कुछ बात याद ऐसी है कि आज वो बात हमारे दिल में एक कांटा बनकर चुभ रही है और हम उस बात को तुमसे अवश्य बताएंगे। क्या बात है? सुनो हमारी बात को। कहिए। तशरीफ लाइए, बैठिए। और जरूरी काम से है ए बुला। काम से तुम्हें है बुलाया, जरूरी काम से तुम्हें है बुलाया, तुम्हें है सुनाया, सारी तुम्हें है सुनाया। मेरे यार, कुछ काम ऐसा है कि आज मैं चाहता हूं कि मैं उस काम को तुझे बताऊंगा और जब सुनेगा तो तू बहुत खुश होगा। यार मेरे यार, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि अचानक बुलाया गया है? सर मेरी बात को कहिए, अच्छी तरह सुनो। कहो। और सागर सिंह दिल में उठा और उलझन का तूफान और जाम जवानी का चखू मचला है। और आइए आइए
आज हमारा दिल कहता है कि शहर कवरिया में जो भी कोई लौंडिया हसीन हो आज की रात ला और आज की रात हमारा बिस्तर गरम करे ठाकुर का दिल बहलाए और हम तुझे मुंगावा इनाम देंगे। मेरे यार आप जानते हैं कि हमारी नजर ऐसी ऐसी चीजों पर रहती है कि हमेशा सही ही जाती है। आज नहीं, इस बात को तो हम काफी दिन से जानते हैं। सुनिए बताओ। तो मेरी नजर में एक है कौन परीगल कौन यार है बताओ। मेरी नजर में एक है उससे बुझाऊंगा मैं। दिल की मैं उससे बुझाऊंगा मैं। काम जैसे पले वो जब तुम आज दिल की मैं उससे बुझाऊंगा मैं। अरे तालो में लेने ताल बाकी सब तलैया। अरे गालो में उस धर्मुआ की लौंडिया की गाल बाकी सब तलैया। मेरे यार यार बात तक कहीं ना तो शक्ति है लेकिन बात है क्या बात है यार। अरे जब हम दो जिसमें एक की जाल है तो इसमें बात क्या बता क्या कमी है क्या चाहिए तुम्हें है? उसे लाना तो मान लो हमारे बाएं हाथ का खेल है। ये एक छोटा सा काम है। छोटा सा काम है। हाँ। बता कौन सा काम है। सुनिए तो कुछ रकम आप दीजिए गठा कर मुझे कुछ मुझे पास में आज ही उठके जाएंगे हम जैसे भी हो सकेगा उससे फांस कर इस हवेली तक लाए। कितनी रकम चाहिए बताने के लिए रकम लगती है। कितनी रकम चाहिए। कम से कम 50,000 रुपए बस। और क्या चाहिए। क्या होगा रे साड़ी साले। चले
लंबरदार कोई लेडीज है का है? रहें दो यार, इनकी लगाए नहीं इनकी जाता ही की लगाए। कबीर सुनो भाई संता, अभी चूता के सूद नहीं मरता। पीछे घूम जा ठाकुर, और हाँ आपकी जो गाड़ी बुलेट है, अच्छा बुलेट वो हमें दे दीजिए। अरे गाड़ी में साले, गाड़ी में नहीं तो साले मुहिमा। गाड़ी में साले जूता नहीं बंद होगी। घूम जा साले, पीछे घूम जा। मेरे यार आप रकम और अपनी गाड़ी और इस पकलोल को हमारे साथ भेज दीजिए। ठीक है, मतलब हमारी बुलेट ले जाओगे? हाँ बस, और रुपए? अरे नक्शेबाजी में कुछ रकम लगती है। चलो ये कपड़े चेंज करो। ठीक है, हाँ स्नान कर लो, लेकिन बढ़िया कंप्लीट बनकर जाओ यार, कि समझे कि कोई बिल्कुल अप टू डेट आया हुआ है। ठीक है, और हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। ठीक है, जा रहे चिरकुट, तू भी साथ जा। तू सारी अपनी बिक्की ले ले, तू अपनी बिक्की ले ले। गाड़ी अरे 150 की स्पीड में, 150 की स्पीड में जाएगा। साले मरोगे, मरोगे साला, पुलिया में घुसेर देगा, सागर में घुसेर दे, ताकि हम लौट कर हवेली आए ही नहीं। अरे हवेली साले पीली नहीं, अरे यार इनको साले हराहो के पीट रहे हो है साले, ये गगरी दाना सूद उताना तबो साले चले चाता ना। देखिए आप चलकर आराम कीजिए और इसे समझा कर लेकर हम चलते हैं। इनको चलो तुम स्नान करो, हम ये समझा देते सारी बातें। ठीक है मैं चलता हूँ फिर। कार्य खाओ रहा ये पहले बता कि ठाकुरों के सामने कैसी बात किया जाता है? तुझे साले तबीज नहीं है ना? नंबरदार तुम तो जानते हम तुम्हारे नाने से हम तुम्हारे यहाँ ड्यूटी करी थे, जौन जौन कहा तौन तौन करी थे, जौन जौन कहो तौन तौन कर, तुम्हारी बात का कब हम बुरा मानित नहीं। अरे तो ड्यूटी करेगा और क्या करेगा, और क्या करेगा? जात का साले सूद है ना, है ना? तू कतना सूद पिंगल पढ़े तबो तीन घूर घील, और खाना पीना उठना बैठना लिहिन विधाता। लंबरदार एक बात है, हम कौन ठाकुर हैं पता है? कौन ठाकुर है तुरे? हम नौटंकी के पसिया ठाकुर हैं, पंजर भोग छत्री। मुल्ला कहाँ लगाई चुन्ना? भर जी हुकुम 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 ये पैर है, इसमें जूता है, इस जूते में भले हीरा जड़ा रहे लेकिन रहेगा साला पांव के नीचे। तो वैसे तुम साले सूद हो, कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन रहोगे सूद के सूद। चलो हमें पैसा देना है उसको सागर को,
और चाबी हमारे अलमारी में रखी हुई है बुलेट की, चलो दे देते हैं। और नहीं तो कि तुमने अभी दुनिया नहीं देखा तुमने अभी दुनिया हमारी। इसी शहर देवरिया में एक गांव हरपालपुर पड़ता है। उसी हरपालपुर गांव के एक किसान है, इनका नाम है धर्मू किसान। ये अपने परिवार के चार सदस्य, दो बेटे और एक बेटी। पहला बेटे का नाम है राकेश और दूसरे बेटे का नाम है विशाल और बेटी का नाम है राधा। देखिए ये अपने उम्र में क्या विचार करते हैं। विचार करने के बाद में खेतों को तरफ निकलते, सिर्फ घर भर में चलते रहो। गरीबन की हो गरीबन की, गरीबन की गरीबन की प्रभु लीजे खबरिया, गरीबन की प्रभु लीजे खबरिया, गरीबन की। हेलो हेलो, हाँ दोस्तों, दादा जी धर्मो किसान कि एक साल से तबियत खराब रहती है, इनके आम बात की बीमारी है। डॉक्टर ने मना किया है कि कोई नशीली चीज नहीं करना, ना शराब पीना, ना बीड़ी पीना, ना सिगरेट पीना, लेकिन ये गांव वाले जबरदस्ती पिलाते हैं और सोचते हैं कि ये मर जाए तो हमें के बिटिया का पट्टा ले। दादा बीस नहीं समझा देना, सांस तुम्हें चढ़ा था, खांसी आओ थे और बीड़ी पिया करो, दिन में हम चार पांच बंडल आराम मिल जाए। डॉक्टर मना की ही नहीं, लेकिन ये गांव वाले पूछ लिया था इज्जत से तो पी ले। नहीं देखो, को प्रेम से दिए गए तो खा पीते हैं, और सुनो मरे तो है एक दिन का, वो तो है। जय राम बेटवा, जय राम। दादा एक चिलम गांदा बनाओ, यही लंबरदार से मांग लाओ, इसी बैठ हुई है भैया। रे चलो गांजा नहीं भीड़ लगाओ, पी ले भाई, आज का आधी आधी पी लेन जाइए। काका धने तगड़े का है धीरे 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 ही चने तुमका खसेवा परेशान करत है। का है बेटा, ओ बच्चा आज बीड़ी पियो, तुम्हारी खातिर चुन्ना तमाकू रगड़ी थी।
का चोर तमाकू लाया है का रे एके त हमर शौकीन है बेटा। देखिए धर्मू किसान कहता है बेटवा नशीली पदार्थ डॉक्टर ने मना किया है, हमारे बच्चे अगर देखेंगे तो मुझे डांटेंगे, मेरे लिए दवा भी नहीं लाएंगे। छोटुआ यहाँ हमारे लड़के दोनों रुआका थे कि बीड़ी तमाकू गांजा कुछ न पिया खा करो बप्पा बप्पा, लेकिन तुम्हारे पंचर के बदौलत पी ले थे बेटा। अरे काका ये बुढ़ापी में लड़का रोके चाहे जितना तुम पियो खाओ यो जियो चाहे मरो तो दिक्कत नहीं कोनो बात का। ओ पीहो ना तो जियो कैसे ठीक कहा था हो बच्चा हमारे ऐसा सा तुहार से क्या काका बैठो तुम्हारे खाते चुना तमाकू लेके आई बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ दोस्तों इधर धर्म किसान बैठे गांव वालों के साथ बीड़ी पीते हैं, वहीं पर उसकी लंडिया राधा पहुंचती है। देखिए जब देखते हैं कि हमारे पिताजी के गांव वाले बीड़ी पिया रहे हैं तो बहुत नाराज हो जाती है, गुस्से में देखिए क्या कहती है। इधर आओ इधर अरे तुमका हैजा खाए तुमका ये नहीं मालूम है कि मेरे बापू की इलाज चलती है और तबीयत खराब रहती है, भैया मेरे मजदूर के दवा लाते हैं और हराम जाते तो बीड़ी सिगरेट। नशा पसंद करो मतलब मंत्र नहीं देख लियो बापू या है बेचारा हमका बीड़ी दी कहे दादा बीड़ी पी लियो। ओए यहां 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 छोटू बच्चे यही से इनका मिनहा करे करे देखो दादा बीड़ी पिए हम तो कहे तुम ही तो दियो बापू आया दिया हम कभी बीड़ी पीते नहीं कह दिया। और जानते नहीं डॉक्टर तुमको बीड़ी पीने और मसाला खाने को सब मना किया है। बिटिया गांव भरे में हम सबसे पुरानिया हैं, को इज्जत से पूछ रहा था बिटिया पी ले थे यही सब है कि आवत है। नमस्ते क्या हो रहा है? अरे बहन क्या बात है, किसने मारे इनको? भैया देखो बापूजी और ये दोनों साथ में बैठ करके बीड़ी बाबूजी को पिला रहे थे। क्यों रे इधर बदतमीज तुम्हें मालूम है कि बापू की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनका इलाज चलता है और मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ, अपनी पढ़ाई इसलिए मैंने छोड़ दी कि बापू की तबीयत सही रहे, डॉक्टर ने परहेज में नशा बंद किया है। और तुम लोग बीड़ी और गांजा पिलाते हो? अरे भैया हम बीड़ी गांजा का हाल जानते नहीं ना, वैसे साइन तो हमारा बड़का भैया गांजा दिए इनका हुक्का चलगावत रहे। तुम पिला रहे थे? क्यों बापू सच बताओ कब पियावा है? किसने पिलाया बीड़ी? खबरदार आज के बाद पिता देखो बीड़ी गांजा सिगरेट पिलाए तो अबे बापू विशाल आ गया। अरे विशाल हाँ भैया कॉलेज से वापस आ गए? भैया कॉलेज से वापस आ गया हूँ, अगर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनो भैया जरूर कहूंगा,
बाबू भैया चरण में विशाल झुकाए। बाबू भैया चरण में विशाल झुकाए शीश, हर मुझे यही आशीष दो सिद्ध हो। पागल माता और पिता का आशीर्वाद तो अपने बच्चे की हर समय रहता है। लेकिन मेरी बात तो मेरी बात सुनो। कहो भैया। युग युग बाए ये तो जियो सदा रहो अच्छी तरह से चल रही है। हाँ भैया मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए राधा इधर आओ। उस कोने में मुस्कुरा रहे, आखिर बात क्या है भैया? लगता कुछ पढ़ रही है। हाँ मिलने वाला है। क्या चीज जानते नहीं हो? मुझे लगता है भूल ही गए हो। आखिर क्या बात? रक्षाबंधन का दिन है, तुमको याद नहीं है? अरे विशाल, अरे यार आज तो सावन की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का त्योहार। अरे हाँ भाई, मैं तो भूल ही गया था। अरे बहन तो है कोई इंतजाम? अरे लाओ फिर। ठीक है मैं लाती हूँ। अरे कहाँ गए वो दोनों पागल, कहाँ गए वे पागल? आज रक्षाबंधन का त्योहार है। और रक्षाबंधन त्योहार आए और क्या त्योहार, राखी और राखी खाए के मिले पागल। मिठाई मिठाई खाने, हाँ मिठाई खाने मिलेगी। भैया हम तो भुलाए नहीं गए ना यार। का है यार रक्षाबंधन त्योहार आ, मिठाई खा मिले फ्री में। रक्षाबंधन फ्री में कैसे फ्री में खा मिली? काहे काहे बच्ची हो रही है यहीं राख। हाँ ये सब नौटंकी हम नहीं करी थी, चवन्नी का राखी बांधे है तुझे नौटंकी बताए। हम तो घोड़ी ले आवे, हम तो घोड़ा ले आवे, ये काम हम नहीं करी। सुनो बताई ऐसा है जो राखी आई है राखी बांधा लीन जाई, मिठाई खा लीन जाई, जो नेक दिए ना कहे तो दोनों प्राणी लड़ जावा। ये बताओ राखी तो बधा दो, लेकिन राखी की बधाई क्या दोगे? अरे भैया तुम चिंता ना करो, हाथी दोगे क्या? अरे हाथी नहीं, जौन जौन मांगे हैं तौन तौन दे। पागल आखिर क्या देगा? हम तो अपने दीदिया का 5 किलो के नथुनी दिए, और 15 तोला हम 15 तोला जंजीर। अरे साले लगता है टाटा बिल्ला के सब नाती पोता हो रहे हैं क्या? पांच किलो की नथुनी जानते हो कितने की होगी? काफी महंगा है 1600 का।